नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम आज तक। आज ये पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में मैं बताना चाहूंगा कुछ दिनों पहले की एक कहानी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर का वाकया है ये। लॉकडाउन ने किस तरीके से लोगों को परेशान कर दिया था और लॉकडाउन किस तरीके से लोगों को परेशान करता रहा है, ये चीज इसके अंदर कहीं ना कहीं झांकेगी। दरअसल एक व्यक्ति थे जो अमरावती में कपड़ों का कारोबार किया करते थे। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद कपड़ों का कारोबार काफी नुकसान में चला गया, उनको दुकानें बंद रखनी पड़ी। जैसा आप सभी को पता है कि दुकानें खुली रहती है या बंद रहती है, लेकिन किराया अगर रहा तो किराएदार जो है उसको किराया देना ही पड़ता था। जो व्यक्ति थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। व्यक्ति शादीशुदा थे, दो बच्चे थे उनके, एक लड़का एक लड़की। अच्छी बीवी थी जो प्यार करती थी उनसे। जब काफी समय हो गया और लॉकडाउन खुलने का नाम नहीं ले रहा था, तब उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि हम लोगों को नागपुर चले जाना चाहिए अमरावती से, क्योंकि नागपुर में उनकी माँ का घर भी था। और माँ मतलब वो लड़की की, जो लड़की थी उसकी माँ का घर था वहाँ पे, मतलब उस व्यक्ति का ससुराल था वहाँ। और उन्होंने कहा कि ससुराल में कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी, माँ भी है, छोटी बहन भी है उनकी। तो सभी ने ये प्लान किया कि ठीक है, अब लॉकडाउन का पता नहीं है, हम लोग ज़्यादा खर्च भी नहीं उठा पाएंगे, तो वो लोग वहाँ से निकले और नागपुर आए। नागपुर आने के बाद वहाँ पर भी कारोबार कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा था, इधर उधर छोटे मोटे काम से गुजारा चल रहा था। जो व्यक्ति हैं वो अपने ससुराल में आना जाना करते हैं, ससुराल आते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो साली थी उनसे उनका संबंध आता है, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। जीजा साली का जो प्यार होता है वो एक अलग ही होता है, पवित्र बंधन होता है, पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन कई बार चीज़ों को जब व्यक्ति अपने दिमाग से नहीं सोचता है और दिमाग में कुछ उथल पुथल चलती है, तो कई बार रिश्ते तार तार हो जाते हैं। और यही यहाँ पर भी हुआ। सिर्फ तार तार नहीं हुआ, बल्कि ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने रात भर मर्डर ही किया। तो मैं ये बता रहा था कि आते जाते जो साली साहिबा थी उनकी, उनके साथ उनके तार जुड़ते गए, कहीं ना कहीं जीजा जी जो है वो साली के साथ इन्वॉल्व होते गए। बताया जाता है कि उनके बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित हो चुके थे, और इस वजह से जो व्यक्ति था वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहा था उनमें। साली साहिबा किसी से बात करती है तो उन्हें पसंद नहीं आता था, साली साहिबा किसी को फ़ोन लगाती है तो पसंद नहीं आता, साली साहिबा अगर फ़ोन पे बिजी रहती तो अनबन हुआ करती थी, वो एक दूसरे से नाराज़ हुआ करते थे। इस बारे में कई बार झगड़े हो चुके थे उनके। अब इस बारे में जब चीज़ें बढ़ने लगी, साली साहिबा भी काफ़ी दिनों तक इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजकल बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपने लाइफ में इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो घर वाले हों, माँ बाप हों, बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियाँ हो चुकी है। अभी ये जो लड़की थी ये भी जीजा जी का इंटरफेयर अपनी लाइफ में, फ़ोन मत लगाओ, इससे बात मत करो, उससे दोस्ती मत करो, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कई बार उन्होंने अपने जीजा जी को समझाने का प्रयास किया लेकिन जीजा जी समझ नहीं पा रहे। तंग आकर साली साहिबा पुलिस के पास गई, पुलिस को सारी बातें बताई कि उनके जीजा जी उनको हरास करते हैं, परेशान करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। एक व्यक्ति ने 5 लोगों का मर्डर किया है, जो उसकी वाइफ, बच्चे, मदर इन लॉ का मर्डर किया है और खुद सुसाइड किया है। बात आग की तरह फैलने लगी। जब बदनामी से जुड़ने लगे शब्द और तार, तो बड़ी बहन जो है वो छोटी बहन को समझाया उसने कि अब से जीजा जी ऐसा नहीं करेंगे, माफ़ कर दो उनको, गलतियाँ हो गई उनसे। पत्नी जो है वो अपने पति का साइड लेकर अपनी छोटी बहन को बहुत कुछ समझाई, और छोटी बहन ने भी बड़ी बहन की तरफ देखकर उन्हें माफ़ कर दिया, सारी बातें ख़त्म हो गई। पुलिस वालों ने भी समझा दिया, सारा मामला ये हो गया। लेकिन मामला
साली साहिबा और पत्नी और पुलिस की तरफ से खत्म हुआ था, इस व्यक्ति की नजर में, इस व्यक्ति के दिल में एक घृणा का भाव आ गया था और यह घृणा का भाव जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि पति पत्नी दोनों बैठे थे और पत्नी जो है वो पति को समझा रही थी कि अब आप अपनी साली साहिबा का ख्याल दिल से निकाल दीजिए, उसको उसकी लाइफ ज्वाइन करने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, आप अब उसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। इस बात को लेकर पति पत्नी में तनातनी हुई, पति ने निकाला चाकू और पत्नी का रास्ता साफ कर दिया, पत्नी को का कत्ल कर दिया। ये बात उसके बच्चे जो थे उन्होंने देख ली कि पापा ने पत्नी माँ को मार दिया है। इससे पहले कि वो लोग कुछ एक्शन लेते, कुछ कहते, कुछ बताते, इस व्यक्ति ने, इस निर्मम बाप ने उन दोनों बच्चों को भी चाकू से हलाल कर दिया। यहाँ पर कुछ रुका नहीं, इसके आगे भी बात चलती है। जो उनका ससुराल था वो वहाँ से लगभग 50-60 मीटर की ही दूरी पे था, नज़दीक ही था। वो चाकू लिए, अपना घर बंद किया उन्होंने और चाकू लिए अपने ससुराल पहुँच गए। वहाँ जब पहुँचे तो कहानियाँ दो तरह की आती है, लोग जो कहते हैं वो भी बातें सुनने में आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले वो अपनी साली साहिबा के पास गया, उसको बताया कि तुम किसी व्यक्ति से बात नहीं करोगी, तुम पुलिस में गए, ये तुम्हारे लिए, तुमने हमारे साथ गलत किया, साली साहिबा के साथ उन्होंने बहस की होगी और इस बहस की आवाज़ उनकी मम्मी जी को भी आ गई, मतलब सास को भी लगी। जब सास रोकने के लिए वहाँ पे आई, सास ने उसको समझाना चाहा, जनाब ने सास को भी हलाल कर दिया, सास को भी चाकू से कत्ल कर दिया। अब बची साली साहिबा, वो बहुत डर चुकी थी। साली साहिबा ने उनसे माफ़ी मांगी कि गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो, लेकिन इसके अंदर का जानवर जो था वो जागा हुआ था। उसने साली साहिबा को मजबूर किया अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। रोती रही साली साहिबा, गिड़गिड़ाती रही होगी, लेकिन इस दरिंदे ने छोड़ा नहीं और साली साहिबा के साथ संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए और साली साहिबा का भी कत्ल कर। मामला पत्नी, दो बच्चे, सास और साली को कत्ल करने का नहीं है। इतने पे भी वो नहीं रुके जनाब, वो वापस अपने घर गए और वहां जाके खुद फांसी लगा के सुसाइड कर दिया। मतलब जो रात थी नागपुर में, काली रात थी, 5 लोगों को मारकर एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। अब आप इन सब स्टोरी से समझिए, पुलिस वाले आए, आसपास के लोगों ने बात की, उनके जो रिश्तेदार होंगे उन सभी का क्या इज्जत रही होगी समाज में तो पता नहीं, लेकिन एक अनैतिक संबंध, एक काम पिपासु लालसा, ये जो है इसने पूरे लाइफ बर्बाद कर दी, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे बच्चों का कोई कसूर नहीं था, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इंसान को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपका अगर परिवार है तो आप परिवार के पीछे रहिए, परिवार पर ध्यान दीजिए, बाहर वालों की तरफ मत देखिए, किसी भी गलत काम को करने से बचिए। ध्यान रखिए, आपकी एक गलती आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। ये पहला एपिसोड था, जो कुछ भी स्टोरीज मुझे पता थी वो मैंने आपको बताई है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी, मुझे क्या और अपडेट्स करने चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए, ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। साथ ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस स्टोरी को शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरियाँ आप तक ले आए। फिर से आपसे क्राइम आप तक में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आनंद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।